चार उसके दर्शन एक बहुत ही सुंदर किताब है। एक किताब है जिसका नाम है नंबर फन विद कैलेंडर। एक हमारे गुरु थे, मेरी एक किताब उनको समर्पित है, पी के श्रीनिवासन, चेन्नई में रहते थे, 12 साल पहले देहांत हो गया। आज से 60 साल पहले जब दुनिया ने कभी गणित के ओलंपियड का नाम नहीं सुना था, पी के श्रीनिवासन ऑर्गेनाइज मैथ्स ओलंपियड इन चेन्नई। उन्होंने 60 लेख लिखे हैं, उनका बाद में उल्लेख करूंगा। ये उनकी किताब है नंबर फन विद अ कैलेंडर। कैलेंडर हर घर में होता है, स्कूल में होता है, सरकारी दफ्तर में होता है, हम लोग देखते हैं, देखने के बाद में भी नहीं देखते। अब ये कहां, यहां पर ऐसा है, आप हम कोई भी चार अंक चुनेंगे। ये 2x2 की मैट्रिक्स है, 2+10 का कितना योग हो गया 12, 3+9 12, 4+12 16, 5+11 16, 22 और 30 52 52, 23 और 29 52। कभी आपने गौर करा था कि क्रॉस नंबर्स इन कैलेंडर एड टू द सेम, और ये हर महीने हर साल के लिए वैध है। अब हम थोड़ा सा वी कैन बी मोर एडवेंचरस, और हम क्या करेंगे, 3x3 की मैट्रिक्स लेंगे। यहां पर कुल कितने अंक है, 9 अंक है, 1 और 17 18 जो 9 का दुप्पट, 3 और 15 18 जो 9 का दुप्पट, 2 और 16 18 जो 9 का दुगना, 10 और 8 और 10 18 जो 9 का दुगना, इन सबका, इन 9 अंकों का औसत कितना हो गया, 9, मिडिल नंबर। अगर इन सबको जोड़ना हो तो सबका औसत तो 9 है, 9 × 9 81 इज द सम ऑफ ऑल दिस 8। अब वी कैन बी स्लाइटली मोर एडवेंचरस, वी कैन टेक अ मैट्रिक्स, ये क्या हो गया, हफ्ते में 7 दिन और 3 हफ्ते, कुल कितने 21, 21 नंबर्स। अब इसमें पैटर्न देखिए, 6 और 16 6 और 26 32, 20 और 12 32, 7 और 25 32, 11 और 21 32, 8 और 24 32, 9 और 23 32, जो 16 का दुपट। साइंस और गणित में हम लोग बच्चों को परिभाषा रटाते रहते हैं और वो थूकते रहते हैं परीक्षा में जाकर के, पर इसका दिमाग को इतना ओवरलोड कर रहते हैं कचरा सामग्री से, राइट। बिल्कुल, अभी ये चार्टे क्लासेस, ये सब क्लासेस जितने हैं यही हैं कि रटवाते रहते हैं परीक्षा, और वो उलट जाए तो सेंटम आ जाता है, माँ बाप बड़े खुश हो जाते हैं, पर ऐसे बच्चे बहुत आगे नहीं जाते, कभी कुछ मौलिक चीज अपने जीवन में नहीं करेंगे। बच्चों को साइंस और विज्ञान का मतलब ही है कि अपने जीवन में एक नमूना देख पाना, सिमिलैरिटीज, कॉमनैलिटीज, कौन सा सूत्र है जो उन सबको आपस में बांधता है, वो देख पाना। अगर बच्चों को उसका मूल, उसका मर्म समझ में आ जाएगा तो बहुत ही। अब आप ये देखिए, यहां पर ये पूरी लाइन है, एक खड़ी कॉलम है इस तरह का, मैं इसको देख करके बता सकता हूं इसका योग 63 होगा, 63। अब देखिए, मैंने वास्तव में जोड़ा नहीं है, पर आप देखेंगे एक सूत्र है, हफ्ते में सात दिन है तो इनका एक मध्य दिन भी होगा जी, तो 6 और 12 18 9 का दुप्पट, 7 और 11 18 जो 9 का दुप्पट, 8 और 10 18 जो 9 का दुपट, इन सबका एवरेज क्या हो गया, औसत क्या हो गया, 9, 7 दिन, 9 × 7 = 63, 63, दैट इज द सम ऑफ ऑल दिस, राइट। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल बुक, ये मराठी में हमारी वेबसाइट पे, अशोक जहां काम करता था डॉक्टर मधुकर देशपांडे के साथ, 7 साल पति पत्नी PhD थे, US सिटीजन है, 30 साल अमेरिकन, पर जब पुणे आए तो हमने उनसे विनती करी कि जी आप तो गणितज्ञ हैं, मराठी में आपने अपनी गणित पढ़ी है आप इसका, तो उन्होंने 2 किताबें पी के श्रीनिवासन की मराठी में अनुवाद करी जो हमारी वेबसाइट पे है। आप एक किताब और पढ़िए, 60 लेख जो पी के श्रीनिवासन, मैथ्स विद कॉइंस, मैथ्स विद बस टिकट्स, मैथ्स विद द कैलेंडर, मैथ्स विद ब्रूम स्टिक्स, गणित हमारे आस पास चारों तरफ बिखरी पड़ी, वर्ल्ड क्लास बुक इस देश में। जब उन्होंने 30 साल पहले ये किताब, ये तो लेख लिखी हिंदू के लिए, इनको संकलित करके मैथ्स क्लब एक्टिविटीज, मेरी वेबसाइट पे ये पूरी किताब है, मैथ्स क्लब एक्टिविटीज, विलक्षण किताब है, वर्ल्ड क्लास। जब उन्होंने ये किताब लिखी नंबर फन विद कैलेंडर, ये 15 साल तक ऐसे ही पड़ी रही, कोई प्रकाशक छापने को तैयार नहीं, सर आप 10वीं के लिए मेड इजी लिख दीजिए, गाइड लिख दीजिए, वो छाप देंगे। भाई प्रकाशक एक असली दुनिया में रहते हैं, किताब बिकनी तो चाहिए, है ना, क्रिएटिव किताब बिकती नहीं है, तो उन्होंने कहा मेड इजी लिख दिए तो छाप देंगे, किसी ने नहीं छापी। पर पी के श्रीनिवासन एक बड़े विलक्षण शिक्षक थे, उनका एक छात्र था जो उसकी, वो बाद में उसने एक, एक, अब चेन्नई में जाएंगे तो आपको सबसे अच्छी आइसक्रीम चेन्नई की अरुण आइसक्रीम, ही मेड गुड इन अरुण आइसक्रीम। तो वो 15 साल बाद अपने पी के श्रीनिवासन के पैर छुए, सर मैं आपकी दोनों किताबें छापा,
This is how Number Fun with a Calendar and Romping in Number Land. Both these books came out, not through the NCRT or the SCRT of your country, but this is how. He is no more. Very, very amazing book. एक पी के श्रीनिवासन ने हमको एक कहानी सुनाई थी और वो मैं आपको बहुत ही अच्छी कहानी है. इसका नाम है, आपने इस तरह का कर्व देखा होगा, जो जो इस तरह का कर्व जो होता है, एक जो बेल शेप कर्व होता है, गॉसियन कर्व. कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कोई भी आप आबादी ले लीजिए और उनका एक कोई भी एक कर्व होगा, तो इस तरह का एक जो नॉर्मल कर्व होता है इसको गॉसियन कर्व, बेल शेप कर्व. ये फ्रेडरिक गॉस जर्मन मैथमेटिशियन थे, उनके नाम के ऊपर मशहूर है. ये गॉस की कहानी है जब वो क्लास दूसरी के अंदर थे, उनकी जीवन कहानी है. 450 साल पुरानी है, जर्मन गणितज्ञ थे. उस जमाने में कॉपियां नहीं होती थी, बच्चे स्लेट के ऊपर चौक से लिखते थे. तो शिक्षक ने कहा कि भाई आप 100 तक की गिनती लिखिए, तो एक बहुत भारी चुनौती नहीं थी. बच्चों ने फटाफट 100 तक अपनी स्लेट पर लिख दिया. फिर शिक्षक ने कहा भाई तुम इन सबको जोड़ो. तो बच्चे शुरू हो गए साहब, 1+2, 3+3, 6+4, 10+8, 15+15, 21. अब जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई, स्पीड घटती गई. ये चलता गया. पर सब बच्चे शुरू हो गए. पर वो जो है बिल्कुल गॉस जो थे, वो शब्द, वो इन अंकों को बस निहारते रहे. क्या अंक थे? और उन्होंने अद्भुत एक पैटर्न दिखाई दिया. उन्होंने कहा देखो, अगर 1 और 100 को जोड़ता हूं तो कितना होता है, 101. 2 और 99 को जोड़ता हूं तो भी 101. 3 और 98 को जोड़ता हूं तो भी 101. और क्योंकि 100 अंक है, कितनी जोड़ियां बनेंगी, 50 जोड़ी बनेंगी, और सबका योग होगा 101. तो 101 × 50, 5050. ही जस्ट रोट ऑन स्लेट एंड द टीचर सेड, सन आई हैव नथिंग एल्स टू टीच यू. ये गॉस की जीवन की सच्ची कहानी है. तो बच्चों को इस तरह के पैटर्न्स देखने के लिए प्रेरित करना, ये शिक्षक का काम है. आईआईटी के लिए घोटा लगाना, 10वीं में सेंटम पाना, ये हमारा एक छोटा सा गोल हो सकता है, पर बड़ा गोल नहीं है किसी हालत में नहीं. एक सच्चे शिक्षक का बड़ा गोल नहीं हो सकता, पर ये इस तरह का गोल है. अब ये तो छोटे बच्चों को बहुत सारी गतिविधियां करनी पड़ती हैं, छोटी छोटी ठोस चीजों से खेलें, केवल कोरी कागजी पढ़ाई ना हो. एक छोटा सा, अशोक आपको अगले 2-3 दिन में इसका बहुत अभ्यास कराएंगे, आप देखेंगे. पर ये एक स्ट्रॉ है और एक कैंची है, और हमने एक तीर जैसी इसमें नोक काटी. अब ये अगर आप देखेंगे तो एक बिल्कुल बेबी क्रोकोडाइल का मुंह जैसा बन जाता है. खुल रहा है, बंद हो रहा है, मैं इसको मुंह में रखूंगा और कस के बाहर हवा फूंकूंगा. अब आपको दिखाई नहीं दिया कि आवाज़ कहाँ से आ रही, क्योंकि ये हिस्सा जो आवाज़ पैदा कर रहा था मेरे मुंह के अंदर छिपा था. अब मैं इसको बाहर रख करके और हवा को, सांस को अंदर खींचूंगा. अब अगर आप यहाँ ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको दिखेगा कि बिल्कुल खुल रहा है, बंद हो रहा है बहुत तेजी से, ये कंपन कर रहा है. अब बच्चों को हम रटवाते रहते हैं कि ध्वनि के लिए कंपन जरूरी है. बच्चे अगर उसका अनुभव करें, उस आवाज को सुने, आंख से देखें, तो बच्चों को कितना अधिक आनंद आएगा. और बच्चे इसको कभी भूलेंगे नहीं. अब इसमें हमने यही करा कि इसमें 2 छेद बना दिए. अब हम क्या बना रहे हैं, वही यहां पर एक रीड है उसी तरह की. अब एक थोड़ी बेसुरी है पर बांसुरी है. ये वही वाली स्ट्रॉ है. अब इसमें फूंकते रहेंगे, आवाज पैदा करते रहेंगे और इसको काटते रहेंगे. और एक बिल्कुल अद्भुत चीज होती है, बहुत ये सरल सरल से प्रयोग है. अगर हमारी वेबसाइट पे देखेंगे, 11 बरस हमने अयुका में यही करा, 1500 ऐसे प्रयोग, छोटे छोटे से, 18 भाषाओं में, सबके सब मराठी में है. ये सब हमारी वेबसाइट पे है. 7 करोड़ बच्चे इनको देख चुके हैं दुनिया के. बोलिए, अब उस पर लिखते, अभी लिख देंगे, अब ही जस्ट राइट. एक और छोटा सा, 2 छोटे से और उदाहरण देता हूँ आपको. ये देखिए, 8वीं 9वीं में हर जब विद्युत का पाठ आता है, तब हर बच्चे को विद्युत मोटर के बारे में पढ़ाया जाता है. ये यूनिवर्सल है. अगर मोटर ना हो तो हमारी जिंदगी में चक्का जाम हो जाए.
एक सामान्य घर में मोटर, पंखे में मोटर है, मिक्सी में मोटर है, कूलर में मोटर है, फ्रिज में मोटर है, वॉशिंग मशीन में मोटर है, हम दर्जन जगह मोटर इस्तेमाल करते हैं। मोटर ना हो तो कि हमारी जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। शायद ही कोई बच्चा होगा जिसने कभी अपने जीवन में मोटर बनाया हो। इसकी कोरी जानकारी हमको दी जाती है, हम रट लेते हैं, परीक्षा भी पास हो जाते हैं, पर वो आंखों में आपकी चमक नहीं आएगी जब तक आप खुद हाथ से मोटर। इसको 1998 साल से हम एक मोटर बना रहे हैं। सबसे महंगी चीज़ क्या बताइए? बैटरी। इसमें अब बैटरी नहीं है, नहीं तो काला जादू होगा, किसी आउटपुट के लिए इनपुट चाहिए तो नई बैटरी है, है? ये क्या है जी? एक साइकिल का ट्यूब है, एक उसका, क्योंकि चौड़ा रबर बैंड मिल गया, इससे दो सेफ्टी पिन जो है वो प्लस और माइनस साथ में चिपकी हुई हैं। इन दोनों के बीच में कितना वोल्टेज होगा भाई? बैटरी का वोल्ट 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट है। अगर एक आप टॉर्च का बल्ब इन दोनों के साथ जोड़ेंगे तो वो टिमटिमाएगा, बहुत तेज तो नहीं जलेगा पर 1.5 वोल्ट में टिमटिमाएगा। ये क्या है? एक चुंबक है। ये चुंबक बहुत सस्ते, 50-50 पैसे का चुंबक, सब चीन में बने होते हैं पर एक ओपन लाइसेंस की वजह से ये हम पुणे में खरीद सकते हैं। ये इस पर चिपक जाता है क्योंकि माइल्ड स्टील की कैटिंग है। तो एक तो विद्युत चुंबक हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक ये तांबे की एक कुंडली है, एक कॉयल है बनी हुई, कैसे जो मोटर रिवाइंडिंग का तार होता है, तांबे का तार है पर इसके ऊपर एक वार्निश की तह है जो उसको कुचालक बनाती है। तो हमने क्या करा, 1 मीटर तार लेते हैं और पुरानी बैटरी पे गोल गोल करके बांध लेते हैं। जब निकालते हैं तो छल्ला जैसा बन जाता है, इसका एक स्प्रिंग जैसी निक बन जाती है। एक गांठ ला के एक सिरा इधर, एक सिरा इधर। अब ये तार जो है इसके ऊपर वार्निश की तह है, कुचालक है, इसको ऐसे ही रखेंगे तो इसमें करंट नहीं बहेगा। अब इसका मूल बात यह है कि एक तरफ आप पूरा खुरच दीजिए इसको, बिल्कुल आपको चमकीला तांबा दिखाई देगा यहां पर, ऑल साइड्स एवरीवेयर। दूसरी साइड क्या करना है, आप ऊपर छीलिए, राइट को छीलिए, बाएं को छीलिए, नीचे का अभी भी इंसुलेशन है। तो यहां पर ऑल कॉपर, यहां पर 3 साइड्स कॉपर, बस ये ध्यान रख, एक साइड वार्निश, ये स्विच का काम कर रही है। जब कॉपर संपर्क में तो करंट बह रहा है, जब इंसुलेशन आ गया स्विच ऑफ, ऑन ऑफ इन एवरी रोटेशन। अब ये देखिए, अगर मैं इसको ये दुनिया का सबसे सरल मोटर, 10 मिनट लगते हैं बच्चे को बनाने में, और क्या ये रईसों का खेल नहीं है? अब बैटरी हो तो 5 रुपए लगते हैं इसको बनाने में कम से कम, ये तो हम हर बच्चे के पास अपने पहुंचा सकते हैं। और फिर बच्चे कहेंगे हमें सिर्फ विज्ञान ही सीखना है, इतना बेहद रोचक विषय विज्ञान है। बच्चे स्कूल से जाएंगे नहीं, आप बच्चों में बेहद ललक होती है सीखने की, पर हमको उसके लिए बच्चों के लिए कुछ देना चाहिए, कुछ ऐसा बच्चे इसको जोड़ पाएंगे कि हमारे घर में मोटर, कार में मोटर, हर जगह मोटर है। मोटर का यही सिद्धांत है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, सिद्धांत तो यही है मोटर का। ये एक चीज और दिखा दो, ये लाखों लोगों ने इस मोटर को बनाया बेहद अच्छी। इसकी खास बात यह, चाहे आप कितनी गलती कर ली इसमें, हाँ, इसको आप हमेशा सुधार सकते हैं इसमें कुछ अनर्थ नहीं होने वाला चाहे दिस इज द बेस्ट मॉडल की आप जितनी चाहे, और जब तक आप इसको, एक रविन्द्रनाथ टैगोर ने 60 साल पहले एक कहा था, द बेस्ट टॉय इन द वर्ल्ड इज विच अ चाइल्ड कंप्लीट्स, सबसे दुनिया का बेहतरीन खिलौना इनकम्प्लीट होता है पर जिसको बच्चा कंप्लीट करे। तो जब आप खुद इसको अपने हाथ से बना के चलाएंगी तभी आपकी आंख में चमक आएगी। मुझे खुद का अपना अनुभव याद है, 1990 में जब इसको पहली बार बनाया, 1 महीने रात को मैं 1-2 बजे जब कभी भी उठता था, आधा घंटा मोटर चलाता कि अभी भी चल रहा है ये ये संभव नहीं हो पाता। ये अब ये वहाँ पे जो हमने चुंबक इस्तेमाल करे वो बहुत ही फेराइट के मैग्नेट्स हैं, बहुत कम ताकत के हैं, इनको कहते हैं नियोडाइमियम मैग्नेट्स। ये बिल्कुल स्टील जैसे देखने में चमकीले लगते हैं पर ये इनको अलग करना बहुत मुश्किल है, इतने सशक्त हैं मैग्नेट्स। ये रेयर अर्थ के बने होते हैं, सब चीन में बनते हैं, चीन, चाइना हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ रेयर अर्थ्स, दे नो इट एंड दे सिटिंग पुट ऑन इट, पर एक ओपन लाइसेंस, ओपन इकोनॉमी की वजह से इम्पोर्ट करते हैं, पुणे में खरीद सकते हैं इनको। अब ये कुछ नहीं, ये पुराना सिरिंज है इंजेक्शन, हमें सुई से कुछ लेना देना, इसकी जो बाहर की बैरल है प्लास्टिक की। अब ये चुंबक कैसे है कि इसके अंदर चले जाते हैं और ये देखिए बाएं दाएं घूम सकते हैं, दैट्स इट, दे कैन रेसिप्रोकेट। आपने क्या करा, पतला तार लिया तांबे का, वो इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये बहुत मोटा था तो और भी पतला, और कितने टन्स है, 1000 टन। उनके दोनों सिरों को छील करके एक LED लगा दिया, कुछ नहीं बस। अब इसके अंदर हमने चुंबक डाल दिया, अब मैं चुंबक को हिला रहा हूं तो चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र है, बहुत ही शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है,
जब जब ये चुंबकीय रेखाएं इस कुंडली के साथ टकराएंगी तो ये विद्युत पैदा। दुनिया में ये बिजली कहां से आ रही है? ये बिजली इसी तरह से पैदा हो रही है, बड़ा जनरेटर होगा, पर मूल सिद्धांत में तो कोई खास फर्क नहीं है इसका। अब इससे बच्चे बहुत विज्ञान की तरफ उन्मुख होंगे। एक अंत में मैं आपको एक और कहानी सुनाऊंगा, उसके साथ बंद करूंगा। ये कहानी एक अखबार के साथ सुनाई जाती है और इसका नाम है टोपी शंकर की कहानी। अगर आपने टोपी शंकर का नाम ना सुना हो तो टोपी शंकर एक पानी के जहाज के कप्तान थे और आपको मालूम है पानी का जहाज बहुत धीमी गति से चलता है। इस जहाज में बहुत सारे मुसाफिर थे तो पहले दो चार दिन तो लोग को बहुत मजा आता है पानी की यात्रा, समुद्र की यात्रा करते हुए। ट्रेन में बहुत बार सफर करा है, हवाई जहाज में भी चढ़े हैं पर पानी में कभी नहीं गए। पर दो चार दिन के बाद में चारों तरफ उनको अथाह नीला समंदर दिखाई देता है, ना कोई पेड़ का टुकड़ा, ना कोई पेड़, ना कोई जमीन का टुकड़ा, ना सबके सब ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं, सीसिक हो जाते हैं, एक शब्द है, सीसिक हो जाते हैं। टोपी शंकर ने देखा बहुत होशियार थे, सारे मुसाफिर ऊब रहे थे, उन्होंने सबको आमंत्रित किया कि आप लोग डेक पे आइए, दिन भर नाचिए गाइए, आपका दिल बहलेगा, मैं आपके लिए अच्छे भोजन पानी का प्रबंध करूंगा। टोपी शंकर के पास में एक सूटकेस था जिसमें तमाम तरह की टोपियां थी और टोपी शंकर रोज एक नई तरह की टोपी पहन करके इस जलसे में शरीक होते थे। तो पहले दिन एक अम्ब्रेला, एक छतरी जैसी टोपी है, ह्यूज अम्ब्रेला कैप, कप्तान अगर धूप में खड़े हैं तो उनको धूप से बचाती है, पानी से बचाती है, तो फर्स्ट इज अम्ब्रेला कैप। रात को जब सारे मुसाफिर सो जाते थे तो टोपी शंकर उसी टोपी को लेते थे और उसमें एक और मोड़ करके अगले दिन एक नई टोपी पहन लेते थे। अब ये अगर आपने देखी हो, दिस लाइक अ जो फायर ब्रिगेड आगीचा बम, दे बिल्कुल डिजाइनर कैप पहनते हैं क्योंकि उनको बहुत खतरनाक माहौल में काम करना पड़ता है। किसी कोई घर जल रहा हो, घर के अंदर घुसना पड़ता है, ऊपर से कोई मलबा गिरे, इट मस्ट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, तभी पीछे चोट होती है, इसके स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा करती है। इट्स अ डिजाइनर कैप, अ फायरमैन कैप, सेकेंड इज अ फायरमैन कैप। दूसरी रात को वो उसको एक और थोड़ा सा मोड़ देते थे और तीसरे दिन एक दिस इज एक शिकारी टोपी, एक्सप्लोरर्स कैप, शिकारी कैप, एडवेंचरस कैप, कैप नंबर थ्री। फर्स्ट इज अ अम्ब्रेला कैप, सेकंड इज अ फायरमैन कैप, थर्ड इज शिकारी कैप। तीसरे दिन उसको दो और मोड़, और ये बहुत ही मशहूर कैप है, ये चौथी टोपी है। हम लोग बम्बई के बहुत पास हैं, बॉलीवुड के बहुत पास हैं, हमारी सारी जितनी फिल्में बम्बई में बनती हैं उसमें जो पुलिसमैन है वो पांडू, हर पांडू इस तरह की कैप पहनता है, तो ये इंटरनेशनल ग्लोरी की कैप है, पांडू कैप। तो चार टोपियाँ हो गई, फर्स्ट इज द अम्ब्रेला कैप, सेकंड इज द फायरमैन कैप, थर्ड इज द शिकारी कैप एंड फोर्थ इज द पांडू कैप। और हम ये ना भूलें कि टोपी शंकर एक पानी के जहाज के कप्तान थे, तो ये उनका पानी का जहाज। अब लोग सब लोग बहुत आनंद ले रहे थे यात्रा का, अच्छा खाने को मिल रहा था, नाच गा रहे थे, अचानक काली बदली छा जाती है, चकाचौंध बिजली चमकती है और धुआंधार बारिश होने लगती है। अब समंदर में एक तरह का एला आ जाता है, तूफान आ जाता है, ऊंची ऊंची लहरें, बेचारा जहाज की क्या बिसात, जहाज भी इस तरह से हिचकोले खाने लगता है। एक हिचकोला आता है और जहाज को पीछे से एक ऐसा थपेड़ा मारता है कि जहाज का एक टुकड़ा टूट जाता है। अब सारे मुसाफिर एकदम चेहरे मुरझा जाते हैं, हवाइयाँ छूटने लगती है, कहें तो हम तो पिकनिक मनाने आए थे, यह तो हमारा जहाज दो टुकड़ों में टूट गया है। अचानक एक और लहर आती है और जहाज के अगले हिस्से को ऐसा थपेड़ा मारती है कि अगला हिस्सा भी टूट जाता है। अब जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो समंदर की गर्त में डूब रहा है। अब उर्दू में कहावत है कि बला, मुसीबत अकेले नहीं आती, बिल्कुल छप्पर फाड़ के आती है। और ये तिकोना हिस्सा जहाज का जो है इसको कहते हैं ब्रिज। अब एक थर्ड वेव कम्स एंड लैशेस दी ब्रिज एंड नॉक्स इट डाउन। अब जहाज के बिल्कुल इट्स ब्रोकन टू स्मिथरीन्स, बिल्कुल चिथड़े हो गए हैं, जहाज डूब जाता है। टोपी शंकर का संदूक जिसमें तमाम टोपियां थी वो भी डूब जाता है। अब जो बचता है टोपी शंकर के पास में वो एक फटी पुरानी बनियान या एक लाइफ जैकेट बचती है।